कस्टम परमिटिंग। या आज की जो हमारा टॉपिक है कस्टम परमिटिंग के सेकेंड पार्ट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल जो आर्टिकल हमने आपको भेजा था उसके बारे में। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो चलिए इस आर्टिकल को एक बार डिस्कशन करते हैं। क्या है आर्टिकल? सबसे पहला पार्ट देखिए, यहां पे लिखा है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और टेक्स्ट। तो कल हमने बताया था कि हम कोई भी नंबर लेते हैं तो इस नंबर के ऊपर हम कस्टम फॉर्मेटिंग में कोई ऐसा वर्ड दे सकते हैं, राइट? तो जैसे कि हमने मान लीजिए कि यहां पे दे दिया एमआरपी। तो एमआरपी जो शो हो रहा है तो ये आपका एमआरपी शो हुआ, क्योंकि एमआरपी हमने इसके आगे कोई जीरो या हैश नहीं लगाया। अगर जीरो या हैश लगाता तो एमआरपी के जगह में कुछ होता, राइट? जैसे जीरो लगा दिया तो 1521 आ गया ना के बाद। लेकिन मैं कुछ ना लगाऊं तो एमआरपी आ रहा है। लेकिन नेगेटिव में अगर मैं यहां पे देखूं, एक मिनट सुजी जी, हाँ, जैसे आपने वो एम आर पी आ गया है तो इसका मतलब कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो एम आर पी आएगा ना, इसका मतलब फिर यहाँ पे डिजिटल एम आर पी ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो नहीं लगाया। हमने कल समझाया था आपको कि जीरो या हैश लगाना जरूरी क्यों है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपने क्या नंबर टाइप किया और नंबर विजिबल नहीं होगा। अगर आपने प्रीफिक्स और सफिक्स लगाया, और सिर्फ वही प्रीफिक्स और सफिक्स आगे और पीछे जो शो करना चाहते हैं वही आपको दिखेगा, बाकी कोई चीज नहीं दिखेगा। कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वही एमआरपी ही दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे देखिए पूरा रहेगा। हाँ मैं समझ गया, ऊपर पूरा आएगा, नीचे एमआरपी ही दिखाई देगा। हाँ सही, राइट? लेकिन अगर मैं निगेटिव में डालू, निगेटिव वैल्यू डालू, तो यहाँ पे माइनस एमआरपी आएगा। अच्छा। तो ये आर्टिकल यही कहता है कि अगर आप सेमी कोलन लगा के अगर कुछ और डाल देते हैं तो वो एमआरपी को रिप्लेस कर देगा, सॉरी निगेटिव को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेमी कोलन दिया और हमने यहाँ पे दे दिया डिस्काउंट, राइट? तो कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन देना है, हमने कॉलन दे दिया गलती से, हम यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं। अब क्या होगा कि अगर निगेटिव आया तो दूसरा पोजीशन जो डिस्काउंट है वो शो करेगा, अगर पॉजिटिव दिए तो एमआरपी शो करेगा, निगेटिव दूंगा तो शो करेंगे, क्योंकि हमने दूसरे पोजीशन में सेपरेटर कौन सा है, तो सेपरेटर है सेमी कॉलन। तो पहला पोजीशन होता है पॉजिटिव के लिए, दूसरा पोजीशन होता है निगेटिव के लिए, और तीसरा जीरो के लिए आएगा। तो अगर यहाँ पे हम दे दें जीरो के लिए तो यहाँ पे हम कर देते हैं नो बिल, कोई बिल नहीं हुआ। तो इसमें अगर जीरो यहाँ देंगे तो दिखेगा नो बिल, ओके? क्यों? क्योंकि आर्टिकल कहता है कि थर्ड पोजीशन जीरो। चौथा अगर टेक्स्ट हुआ तो यहां पे चौथा पोजीशन भी लगा सकते हैं, यहां पे सेमी कॉलन, चौथा पोजीशन हमने कर देंगे कि डेटा नॉट फाउंड। मतलब कि अगर कोई टेक्स्ट हुआ, जैसे कुछ भी हम लिख देते हैं तो डेटा नॉट फाउंड आएगा। तो एक कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर चार चीजें हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो, चौथा टेक्स्ट। ये आपने जो फॉर्मेट बनाया, इस फॉर्मेट में हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ, इन्वर्टर के मामले में कुछ भी डाल सकते हैं ना, बट सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ लिखना है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव डाल दीजिए, अगर सिर्फ पॉजिटिव और जीरो डालना है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए नेगेटिव को, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। हाँ सीक्वेंस यही रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इसके साथ हमारा डेटा भी शो करना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एमआरपी शो कर रहा है ना, या डिस्काउंट शो कर रहा है, या जीरो शो कर रहा है, यहाँ पे नो बिल शो कर रहा है, तो इसके आगे जो है आप जीरो या हैश लगा दें। इन्वर्टेड कॉमा के बाद, पहले नहीं, और यहां
टेक्स्ट के लिए एट द रेट यूज होता है, जीरो में हैश नंबर्स के लिए होता है और टेक्स्ट के लिए हमेशा हम एट द रेट यूज करते हैं। आ गया, अगर माइनस में डालू तो डिस्काउंट, जीरो डालू तो नो बिल, और यहां पे कोई टेक्स्ट डालता हूं एन तो डेटा नॉट फाउंड। ओके, तो सरेंद्र जी, धुरेंद्र जी एंड ज्योति जी, समझ में आया आपको? जी सर, यानी कि अगर हमें तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाना है तो हम इस कस्टम के इस फॉर्मेट को ले सकते हैं। हाँ जी, सही सही, ओके, ठीक है सर जी, जस्ट लाइक यू क्रिएट वन। अब इसका यूज क्या होता है? चलिए, तो एक छोटा सा हम यहाँ, हमारे पास एक डेटा है मान लीजिए, उसके लिए थोड़ा सा मैं एक चोर करना चाहूंगा, मैं एक डेटा ओपन करना चाहूंगा। मैं आपको 15-20 मिनट में कॉल करता हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास के बाद कॉल करके फ्री हो जाता हूँ। तो मेरे पास एक डेटा है, आप लोग ऑफिस में जाते हैं, बायोमेट्रिक या कार्ड एक्सेस होता है, होता है ना सर? तो आप कार्ड को पंच करते हैं तभी आपका डोर ओपन होता है, आप अंदर जाते हैं, राइट? तो ये डेटा वही है कि किसने कब कब कार्ड को पंच किया है। अब मुझे एड्रेस वेरीफाई करना है, अटेंडेंस वेरीफाई करना है, तो हमारे जो एचआर टीम ने बोला कि भाई मुझे इसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस बना के दे दो, प्रिंट आउट निकाल के या फिर कैसे कैसे भी, बस बोला कि दे दो। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे पिवट लगाया। अब पिवट टेबल क्या होता है हम आगे बताएंगे, फिलहाल फिलहाल समझिएगा, हमने पिवट लगाया एंड ओके, हमने नेम को यहाँ रखा, हमने डेट को यहाँ रखा और इस डेट को यहाँ रखा, और इस डेट पे मैं राइट क्लिक, ग्रुप बाय डेट कर दिया, ग्रुप हो गया। उसके बाद मैं राइट क्लिक किया पिवट टेबल ऑप्शन में और हमने बोला ब्लैंक जीरो हो गया, और इसमें हम पिवट टेबल ऑप्शन में टोटलिंग में आते हैं, टोटल अगर हटा देते हैं सही रहेगा। ओके, तो ये मेरे पास डेटा कॉपी होके आ गया कि किसने कब कब कार्ड को पंच किया है, और जिसने कार्ड को पंच नहीं किया है उस दिन जीरो आया है, और जीरो का मतलब कि वो अब्सेंट था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे पॉजिटिव, जो नंबर पॉजिटिव है, जो नंबर पॉजिटिव है उसको हमें देना है प्रेजेंट, मतलब कि आया है। अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो तीसरा यहाँ पे जीरो है, जीरो को देना है मुझे डेटा अब्सेंट। क्या चाहिए, गॉगल चाहिए? तो हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां पे हम कस्टम चले गए। अब यहां पे मैं पी डालूंगा, पहला पोजीशन, हमने बोला कि सीक्वेंस होना चाहिए, अगर आप कोई नहीं देना चाहते हो तो उसको ब्लैंक छोड़ना है आपको, जैसे मुझे नेगेटिव को नहीं देना है तो नेगेटिव को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, और यहां पे मैंने बोल दिया अब्सेंट, और टेक्स्ट के लिए जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं सबको ब्लैंक छोड़ना है, तो इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड एंड दोनों डाल के सब छोड़ना है सर। हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ही लिखेंगे, कहीं नहीं ब्लैंक छोड़ने वाला, नहीं नहीं ब्लैंक कुछ मत कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया मैंने, ऐसे ही है इन्वर्टेड कॉमा, तो जब कुछ लिखेंगे तब देंगे ना, ऐसे आप कुछ लिख भी देंगे तो नंबर आपका माइनस में होने वाला थोड़ी है क्या, अगर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिख भी देंगे तो अगर यहाँ माइनस में होगा तब तो रिप्रेजेंट करेगा, वरना तो ऐसे अनयूजलेस हो जाएगा जी, रिकॉर्ड है ही नहीं तो नहीं आएगा। हाँ ओके कीजिए, ये आपका चेंज हो गया, प्रिंट आउट निकालिए, जिसको देना है दे दीजिए, समझ गए? अच्छा जी, तो आपने जो नेगेटिव वाला था उसमें ए था ना, ये तो जीरो वाले पे ए आया हुआ है। नहीं, हमने नेगेटिव वाले को ब्लैंक छोड़ा है,
सर आप ध्यान से नहीं देखे हैं सर, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, सॉरी दो सेमी कोलन लगाया है। अच्छा सेमी कोलन का मतलब ब्लैंक हो गया ये। हाँ हमें कुछ लिखा ही तो ब्लैंक ही हो जाएगा ना, यहाँ पे इसका कलर नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखेंगे तब होगा ना। हाँ इसको ब्लैंक छोड़ रहा है तो ब्लैंक नहीं पता, ब्लैंक कैसे वो विजिबल हो रहा है, सेमी कोलन लगाने का मतलब ब्लैंक हो गया है वो। हाँ मैं इसको कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया हमने, इसलिए कुछ किया ही नहीं। इससे पहले वो बिल्कुल, इससे पहले तो दोनों साथ साथ थे ना, वो नजर नहीं आ रहा था। अभी तो मैंने स्पेस डाल दिया है ना इसलिए। हाँ आप डाला स्पेस, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ तो स्पेस तो आपको समझाने के लिए डाला है कि एक नहीं दो इन्वर्टेड कॉमा है, दो सेमी कोलन है, समझे? ये तो मैंने समझाने के लिए आपको डाला। ऐसे यहाँ कुछ डाल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले बताया ना कि आपके पास नेगेटिव यूजलेस हो जाएगा ना ये, तो क्यों नेगेटिव कर लो, यूजलेस हो जाएगा। अब समझ गए आप। आगे बढ़े जी। तो इसका यूज आप कर सकते हो। अभी आपने कुछ बोला था कलर से रिलेटेड, कुछ किसी ने बोला है जी सर, एब्सेंट अगर रेड हो जाए। हाँ तो कलर के लिए आपको यहाँ जो है इसके आगे ये देना पड़ेगा, इन्वर्टर कॉमा में बड़ी ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे मुझे देना है ग्रीन, ग्रीन, और इसके आगे हमें देना है रेड। अच्छा इसमें आप दो ऑपरेशन दिखा रहे हैं, एक कलर का और एक वो चीज दिखा रहे हैं। दो साइड इसमें नहीं ले रहा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि कलर करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ, ठीक है ना सर? इसका लेते हैं कि अगर इक्वल टू जीरो है तो कलर हो जाए, लिख रहा है। लेकिन अगर हम इसमें भी, इसके जरिए भी हम कलर कर सकते हैं, इसके जरिए भी हम कलर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लेना है ग्रीन। ले नहीं रहा है। हाँ ले लिया भाई, हमें एक कैपिटल लेटर लिखना है। यहाँ हमने क्या किया, ये आपके सामने है, हमने P से पहले स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रीन को दिया और A से पहले हमने इसको रेड में दिया। के सेंसिटिव फर्स्ट लेटर। हाँ फर्स्ट के सेंसिटिव। तो इसमें जैसे बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे हैं ये? क्या बॉक्सेस? ये बॉक्सेस के अंदर में, तभी तो इसको इसने कलर समझा है। अच्छा समझे, यहाँ इसका तो आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है, आर्टिकल में यहाँ पे साफ लिखा है ब्लू कलर, और नीचे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ आर्टिकल में दिया हुआ है कि आप कलर जो है यूज कर सकते हैं, ये रहा एक कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जरूरी कंडीशन भी दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि कलर जो है ये होगा, यहाँ देखना कंडीशन, इस तरह की कंडीशन भी दे सकते हैं कि अगर लेस देन 100 हुआ तो रेड, ग्रेटर देन 100 हुआ तो ब्लू, और इस दोनों के बीच में सेमी कोलन दे सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे देखिए साफ मेंशन है कि टू अप्लाई कंडीशन फॉर्मेट टू सेल, फॉर एग्जांपल कलर शेडिंग डिपेंड्स और वैल्यू ऑफ सेल्स ऑन टैब होम टैब द स्टाइल ग्रुप इन द क्लिक कंडीशन फॉर्मेटिंग। मतलब कि इसका यूज कर सकते हैं, बट कमी कीजिए, अवेयर केस नहीं कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ठीक है। और किसी को डाउट?
बात आती है क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी तक हमने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है बट आपके तरफ से मुझे किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने कितना सीखा, तो कुछ अगर बना के मुझे देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने क्या क्या सीखा है। अब क्वेश्चन आती है कि क्या बना के दें, तो दो चीजें हैं। पहली चीज ये समझ लीजिए, जिसका मैं अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ, आप क्या करें, गूगल पे जाएं और फॉर्म सर्च करें। क्या सर्च करें? फॉर्म, और सी इमेज पे आए। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे फॉर्म आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अब कोई एक फॉर्म को चूज कीजिए जो आप बना सके, ओके? जैसे कि इस इसी फॉर्म को ले लीजिए, या इसी फॉर्म को ले लीजिए, या और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, इस फॉर्म को ले लीजिए। तो जो फॉर्म आप बना सके, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो यहाँ पे पैन फॉर्म सर्च कीजिए, पैन कार्ड के देखिए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट, इस तरह की फॉर्मेट भी एक्सेल पे बनाई जा सकती है और बना हुआ है, आप देखेंगे तो स्टूडेंट ने बना के भेजा भी है। तो आप भी कुछ इस तरह का फॉर्म डिजाइन करके मुझे दें। पहले दो चॉइसेस हैं, किस तरह के कोई फॉर्म डिजाइन करके दे आप। आप बोलेंगे सर इसका क्या बेनिफिट है, ये हम आपको फॉर्म डिजाइन करने के बाद समझाएंगे कि इस तरह के फॉर्म पे काम क्यों हमें आना चाहिए। क्या ये फॉर्म जैसा है उस तरह बनाना है आपको, इसमें क्या दिक्कत? मान लीजिए इसी फॉर्म को लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत लग रहा है? हेलो, इसमें क्या दिक्कत लग रहा है? बॉक्सेस कैसे बनेंगे? ये बॉक्सेस कैसे बनेंगे? टेबल लेंगे? नहीं, देखिए अपने कॉलम को छोटा कीजिए, हो गया, इसको सेलेक्ट कीजिए, बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, हो गया, पेज गार्ड में जाइए, लीड लाइन हटा दीजिए, बन गया बॉक्सेस। हेलो जी सर, बन गया ना? अब टिक का निशान लगा हुआ है, टिक का निशान कैसे लगेगा? वो यहाँ पे बताया था आपने, हाँ बताया था ना, इस पे आप बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, इस पे पी को लिख दीजिए और इस पी के ऊपर बाइंडिंग टू का फॉर्मेट लगा दीजिए। करना है बोल्ड कर दीजिए, आ गया। अभी इसको हमने यहां लगाना चाहिए था, यहां लगाना चाहिए था। अब यहां पे आप बोलेंगे कि सर इसके में और इसमें, ये तो ठीक है लेकिन ये सटा हुआ है, हमारे इसमें सटा हुआ नहीं है, तो इसमें इसने क्या किया है कि एक नया रो इंसर्ट कर दिया है और इस रो को बहुत छोटा कर दिया। जी जी आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ठीक तब होगा जब कुछ इस तरह की चीजें बना के मुझे आप भेजेंगे।
से कहीं कहीं बीच में कॉलम है, छोटा छोटा सिंगल कॉलम है, पूरी लाइन टैक्स है और साइड में एक छोटा सा कॉलम है स्प्राइट। ये हम किस तरह, इसमें कोई खास चीज थोड़ी है, क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पूरा कॉलम को करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर दिया, इसमें हो गया, समझे? जी, विड्थ को छोटा कर देंगे, राइट? इसके विड्थ को छोटा कर दीजिए यहाँ से, इसको हो गया। बस यही तो चीज़ है, यही तो देखनी है कि किस तरह से आप यूज करते हैं, ये तो पता चलेगा आपके सोचने का तरीका, क्योंकि इसमें चलता है ट्रिक्स। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन या कोई प्री क्या बोलते हैं, पहले से बना हुआ कोई पैटर्न नहीं है, इसमें चलता है आपका स्किल्स, आपका यूज करने का तरीका, या इसका चलते है आपका जुगा, आम बोल सकती भाषा में। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप रिसर्च का काम कीजिए, कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर आप रिसर्च कीजिए और तकरीबन 20 एग्जाम्पल बना के मुझे मेल करें जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है।